हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट F77 बाइक के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। इस बाइक के हम सारे स्पेक्स की बातें करेंगे, इस बाइक के इंडिया लॉन्च और प्राइसिंग की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अल्ट्रा वायलेट F77 इलेक्ट्रिक बाइक में हमें 25,000 का एयर कोल्ड मोटर देखने को मिलता है, जो कि 2,250 आरपीएम पर रेव करता है। ये मोटर 33.9 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है 2,250 आरपीएम पे। इसमें हमें 90 न्यूटन मीटर का मोटर टॉर्क देखने को मिलता है और इसका जो ऑनव्हील टॉर्क है वो है 450 न्यूटन मीटर। इस बाइक में हमें पावर और पिकअप काफी अच्छा देखने को मिलता है। ये बाइक 0 से 60 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में अचीव कर सकती है। 0 से 100 की स्पीड जाने में इसे सिर्फ 7.5 सेकंड का टाइम लगेगा। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 147 किलोमीटर। इस बाइक में हमें 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि है इको, स्पोर्ट और इनसेन। इस बाइक की जो रेंज है वो है 130 से 150 किलोमीटर। इसमें हमें 4.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड चार्जर से 5 आवर्स में चार्ज हो जाता है और फास्ट चार्जिंग के साथ ये 1.5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है। इसके बैटरी पैक में 3 बैटरीज आती हैं और कंपनी ये रिकमेंड करती है जब भी आप इस बाइक को चला रहे हों तो कम से कम 2 बैटरी इसमें इंस्टॉल होने चाहिए। इस बाइक का जो बैटरी इंस्टॉलेशन है वो मुझे सबसे कूल लगा। ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक में हमें ड्यूल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस बाइक के टायर साइज की डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। इस बाइक में हमें साइड स्टैंड सेंसर, फॉल एंड क्रैश सेंसर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अलर्ट, लॉक और रिवर्स मोड जैसे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, जिससे होता यह है अगर आप अपनी बाइक पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पर पूरी पावर वेस्ट नहीं जाती, उस पावर का कुछ परसेंट बैटरी को वापस चार्ज करने में लग जाता है। ये फीचर आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। आज के टाइम पर आने वाली हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये फीचर हमें देखने को मिलता है। इस बाइक में हमें फ्रंट में USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि रियर में मोनोशॉक ऑफ सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इस बाइक में हमें TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जियो फेंसिंग, GPS, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे कॉमन फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक को आप अल्ट्रा वायलेट मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ डायमेंशंस की बात करें तो इस बाइक में हमें 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। इस बाइक का जो वेट है वो है 158 kg। इस बाइक में हमें जितने भी लाइट्स देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी LED की हैं। दोस्तों आपको इस बाइक का लुक कैसा लग रहा है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये एक प्रोटोटाइप डिजाइन है, जब इसका प्रोडक्शन मॉडल आएगा तो लुक्स में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक की जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो है 3 लाख से 3 लाख 25,000 के बीच। इस बाइक के लॉन्चिंग की बात करें तो ये कंफर्म हो चुका है, इसकी लॉन्चिंग अगले साल होगी। लेकिन ये किस किस सिटी में आएगी ये कहना भी मुश्किल है। इस बाइक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे प्री ऑर्डर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे क्लिक करने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका क्या कहना है इस बाइक के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।